उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक और जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं दर्शकों को, उत्तराखंड में 280 जगहों पर आग लगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि जब आपने आग से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ मांगे तो करीब 3 करोड़ से कुछ ज्यादा ही क्यों दिए। उत्तराखंड सरकार से पूछा कि जंगलों में आग के बावजूद वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया गया। उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को समन किया गया है और उनको 17 मई को पेश होने के आदेश भी दे दिए गए हैं। अनूप जी, इस पर भी आपकी टिप्पणी। ये जो आग लगी है, इतनी जगह लगी है, यहां पर क्यों रोकथाम नहीं हो पा रही है? सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है, क्या उसका कुछ असर होगा? देखिए निधि जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य के साथ में। और अब मैं आपके मूल सवाल पर आता हूं। देखिए, ये इसका एक अगर एक लाइन में आंसर देखें तो हमारा जो जो पूरा जो तंत्र है, जो पूरा शासन प्रशासन का जो तंत्र है, वो असल में कमजोर है। और आपने, चाहे हम जंगलों की आग की बात करें, कि 10 दिन पहले उत्तराखंड पूरे देश दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा था जंगल की आग के लिए, इस समय हम एक बार फिर चर्चित हो रखे हैं चारधाम की अव्यवस्था को लेकर के, और अगले 10-15 दिन के बाद में आपदाओं के कारण जो है हम एक बार फिर से हेडलाइंस में देश दुनिया में अपना स्थान बनाएंगे। सवाल ये उठता है कि जब हमको मालूम है कि हर साल जो है ये फॉरेस्ट फायर का सीजन आना है, फॉरेस्ट फायर का सीजन कोई नई बात नहीं है, हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है, जब से राज्य का गठन हुआ है 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, चारधाम यात्रा हर साल आती है, पिछले साल भी 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। क्या जो बेतहाशा गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा? देखिए, जहां तक फॉरेस्ट फायर की बात है तो ठीक है, अपनी जगह क्लाइमेटिक रीजंस अपनी जगह है, बरसात कम है, नमी कम है, फिर चीड़ के पेड़ हैं, स्थानीय जो लोग हैं, लोगों की जो जंगल के साथ जो आस्था थी, समय के साथ में लोग और जंगल जो है एक दूसरे के साथ में जो जो उनका मेल मिलाप था वो दूर होता चला गया, उसमें कानूनी है। और हर बार देखिए ये बात होती है, अब जब बिल्कुल मैं तो, क्योंकि हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, हम चिंताओं की बात कर रहे हैं, इस फॉरेस्ट फायर के में भी जब पीक था तो उस समय बिल्कुल सरकार के शीर्ष स्तर पर लोग बैठकर कह रहे हैं कि भाई हमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हमें जन सहभागिता चाहिए। तो मैं एक बड़ा स्वाभाविक सरल सवाल ये पूछ रहा हूं कि भाई इसकी शुरुआत तो आप ही को करनी पड़ेगी, सरकार को ही जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता के द्वार जाना पड़ेगा, पब्लिक जो है सरकार के पास नहीं आ सकती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही बारिश होती है, बारिश हुई, जंगल की आग बुझ गई, वो जो मुद्दा है वो पूरा का पूरा हाशिए पे चला गया। तो इसी तरीके के साथ में यहाँ पर जो जिंदगी है, शासन प्रशासन, गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है, और उसी का खामियाजा इस साल निधि जी जो हालत और हालात हैं बड़े विकट हैं। जो आज छठवां दिन यात्रा का है, और जैसा आपने शुरू में कहा कि, और आपने कुछ हमें विजुअल्स भी दिखाए, 44-45% तो भी एस्टिमेट है, हो सकता है और बढ़ जाए। तो आप कल्पना करिए, बड़ी सरल मैथ्स है कि अगर पिछले साल 54-55 लाख श्रद्धालु आए थे, इस साल अगर 45-50% ज्यादा आते हैं, अगर 80-85 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं, तैयारियों का क्या हाल और हालात हैं सबके सामने है, तो ये अपने आप में बड़ी भयावह और बेहद चिंताजनक स्थिति। मेरे ख्याल से जिस तरह से प्रशासन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रजिस्ट्रेशन को 2 दिन के लिए रोका है, उसका भी असर पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद।